हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो ये अपने रोहित भाई का जो है प्री मेंस और जो फाइनल सिलेक्शन है उसका स्कोर कार्ड और उसकी लिस्ट है। तो बात करते हैं कि यूपी से भरा था 21 में, जनरल कैटेगरी है। जो प्री है वो हमारा 40 नंबर का होता है रीजनिंग भी, और 40 नंबर का होता है क्वांट। टोटल 80 नंबर का होता है, जिसमें से कट आउट गई थी लास्ट ईयर 54.50 यूपी से जनरल कैटेगरी की। और जो मिनिमम कट ऑफ गई थी रीजनिंग की वो गई थी 12.50, क्वांट की कट ऑफ गई थी 9.75, और जो नॉर्मल कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80 54.50। जबकि मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं रीजनिंग में 29.50, और जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं क्वांट में 28.75। ठीक है जी, और इसका टोटल बनता है 58.25। तो फिर यहाँ पे हम बाल बाल बचे हैं 4 नंबरों से, 3.50 नंबरों से बचे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई अपने इसमें क्या कहते हैं मेंस में कितने हैं। तो नाम पढ़ लीजिए, रोहित कुमार सिंह, ठीक है जी, यूपी जनरल कैटेगरी। तो रीजनिंग में बात करते हैं, 40 का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 में से आए हैं 40 में से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14.50, तो जबकि नंबर आए हैं 33.75। भाई का क्वांट काफ़ी वो रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस की, कंप्यूटर नॉलेज की, तो 40 का एग्ज़ाम था उसमें से 6 कट ऑफ गई थी, जबकि आए हैं 11.250। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 का एग्ज़ाम था, कट ऑफ गई थी 4.50, और ऑब्टेंड मार्क्स हैं 6। मतलब बाल बाल बचा है भाई हमारा जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 40 का, कट ऑफ गई थी 11.25, जबकि नंबर आए हैं इंग्लिश में 40 में से 30.25। मतलब इंग्लिश ने ही इन्होंने ले दे के बचाया है। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में जो है एग्ज़ाम होता है 40 नंबर का, कट ऑफ गई थी 4.75, जबकि जो हमारे नंबर ऑब्टेंड हुए थे वो गए थे 15.75। अगर हम होल टोटल की बात करें आउट ऑफ 200 कट ऑफ गई थी 82.38, जबकि जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 103.88 है। तो आपको कट ऑफ से कम 20 नंबर ज़्यादा चाहिए ही होते हैं कि भाई आपको इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं इनकी फाइनल सिलेक्शन कौन से बैंक में हुई है। ये यूपी में ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो उसमें अगर देखें तो ये देखो, ये तो मतलब सबके लिए एक वो होता है कि आउट ऑफ जो है 100 इनकी जो है मेरिट लिस्ट में गई थी 55.55, और मेरे को लग रहा है इसी के 53 या 54 ही गई थी कट ऑफ यूपी की। तो ये देखना सबके लिए काफ़ी प्राइड का वो होता है कि भाई वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि भाई आपका ऐसे ऐसे हो गया है। तो इसमें अगर इनका जो बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है आर्यव्रत बैंक में, तो काफ़ी अच्छा बैंक है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका ये मुंबई में पड़ जाता है। तो ये भाई अभी मुंबई में पोस्टेड है, तो क्योंकि इसको मतलब यहाँ पे हो गया उसके बाद इसको सीधा मुंबई बुला लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ये वीडियो देखने के लिए आप जो है ये चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।